संपूर्ण पवित्र शास्त्र के अध्ययन करते हुए एक एक विषय को एक एक भाग को हम एक श्रृंखला के रूप में लेते हुए हमने अब तक जितने भी भागों का ध्यान किया है उसमें परमेश्वर के मन को हमने इस तरह से देखा है। खुदावंत कभी भी कोई काम मनुष्य को बिना बताए नहीं करते हैं। चाहे हो सकता है हमारे आगे कुछ अच्छा होने वाला हो या फिर हो सकता है हमारे आगे कुछ बुरा होने वाला हो, परमेश्वर हर एक विषय को हमें संकेत के रूप में या संदेश के रूप में, दृश्य के रूप में, दर्शन के रूप में या किसी और के माध्यम से हम तक पहुंचा देते हैं। अक्सर परमेश्वर हमारे भीतर ही हमसे ही बातें करते हैं, लेकिन उन बातों को हम अधिकतर समय अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं या फिर हमारी मूर्खता से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इस बात को कहकर टाल देते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, ये सब भ्रम की बातें हैं, वहम की बातें हैं। आइए परमेश्वर के इस भाग को ध्यान करने से पहले, उनके मन को जानने से पहले और उत्पत्ति की किताब 18वें अध्याय में जो हमारे अध्ययन चल रही है वहां पर अब्राहम को बिना बताए कोई काम परमेश्वर नहीं करना चाहते हैं। इसी बात को पुष्टि करते हुए परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आते हैं। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रभु जो वचन हमारे खातिर आपने पवित्र शास्त्र में रखा है उन वचनों को ध्यान करने और उन्हें समझ कर उनके अनुसार चलने के लिए हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए, आपके मन को जानने, आपके मन को पहचानने और आप ही की इच्छा के अनुसार चलने वाले मन और स्वभाव हमें प्रदान करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम पर प्रभु आपकी अगुवाई के लिए दुआ करते हैं। इस वक्त परमेश्वर हमें छू लीजिए, हमारे देहों को, मनों को, हमारी आत्माओं को, हमारे सोच विचारों को छूने के लिए दुआ करते हैं। एक एक शब्द प्रभु आप खुलकर हमसे बातें कीजिए और अगर हमारे प्रियजनों में से इस वक्त वचन ना सुनने योग्य कोई तकलीफ हो, कोई पीड़ा हो, कोई मुसीबत हो, कोई बाधा हो, यदि उन्हें सता रही है तो दुआ करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर वो शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक चिंता हो, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या हो, औद्योगिक हो, व्यापारिक हो, जो कुछ भी क्यों ना हो प्रभु जी, आध्यात्मिक प्रभु जी बंधन ही क्यों ना हो, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, उनकी आजादी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंत अपनी दया भरी हाथ उनके ऊपर रखिए, उन्हें पूर्ण तंदुरुस्ती से भर दीजिए, सारी चिंताओं को मिटा दीजिए, व्याकुलता को दूर कर दीजिए, सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। सबसे बढ़कर प्रभु उनके घर व समृद्ध अनाज के लिए, धन के लिए दुआ करते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। आशीष मान हाथ उनके ऊपर रखिए, बरकतों से भरिए, शांति से भरिए, आपके संतान तृप्त हो जाए और आपके वचन सुनने योग्य फिर से एक बार अपने मनों को सिद्ध कर आपके शरण में आ पाए। अगर हमारे प्रियजनों में से इस प्रकार की समस्या से कोई गुजर रहे हैं, विश्वास के साथ हमने जो मांगा है उसे प्राप्त किया हुआ एहसास के साथ में आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपकी दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं, आपके वचन के माध्यम से, इस ध्वनि के माध्यम से हम सबसे बातें करें। आदर सम्मान महिमा हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम, शुभोदयम, नए दिन में स्वागत, ध्यान केंद्र में स्वागत। आइए परमेश्वर के वचनों को ध्यान करने के लिए एक मन होकर, एक चित्त होकर उन्हीं के वचनों पर गौर करें। हमारी अध्ययन उत्पत्ति की किताब 18वें अध्याय में चल रही है, उसके 16 वचन से लेकर हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। वे पुरुष वहां से अर्थात इब्राहिम से और सारा से मुलाकात कर उनकी खातिरदारी को स्वीकार कर सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर की ओर से वो संदेश जो उनके संतान के विषय में है उन तक पहुंचा दिए हैं। उनके अविश्वास के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद देकर अगले वसंत ऋतु में मिलने का वादा करते हुए उनके यहाँ से सदोम की ओर जाने के लिए रवाना होते हैं। तब अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चलने लगा। 17वां वचन में तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छुपाए रखूं? आरंभ के परिचय शब्दों में हमने सुना था परमेश्वर कोई भी काम बिना बताए नहीं करते हैं। पवित्र शास्त्र आप छानबीन करें, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर आप जाएंगे, परमेश्वर ने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो उन्होंने बिना बताए अचानक से कर दिया है। वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। अचानक से करना, अचानक विपत्ति को लेकर आना, वो शैतान की कार्य है और परमेश्वर के कार्य शैतान से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल भिन्न है। मानव सृष्टि के आरंभ में हमने देखा है परमेश्वर ने आदम से भी कहा था, मृत्यु तुम्हारे पीछे करते रहेगी, तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगी, तुम पर अपना प्रभाव को दिखाते हुए तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करेगी और वो तो
से दूर कर देगी, जीवन से अलग कर देगी। इसलिए चौकस रहना, चौकन्ने रहना। मृत्यु तुम्हारे पास एक फल के रूप में आएगी और एक ज्ञान के रूप में आएगी, और जो फल है भला और बुरा देने वाला ज्ञान है, लेकिन वो तुम्हें इसलिए खिलाएगी ताकि तुम्हें अपने वश में कर ले, अपने अधीन कर ले, अर्थात तुम्हें मृत्यु के वश में कर दे। परमेश्वर के कहने के बावजूद आदम और हव्वा ने उनके विपरीत में जाकर उसी कार्य को किया है, और जैसे उन्होंने कहा था उसी फल के माध्यम से, उसी पूरे ज्ञान के माध्यम से आदम के अंदर, हवा के अंदर मृत्यु प्रवेश करती है, उनके संतान में प्रवेश करती है, उनके यहाँ से सारी मानव जाति में प्रवेश करती है। उन्हें अधीन के बगीचे से बाहर करते समय परमेश्वर ने उन्हें बताया था बाहर की जीवन कैसी होगी, धरती कैसी होगी, मिट्टी क्या करेगी, और हवा से कहा है तुम्हारे प्रसव के दिन कैसे होंगे, संतान कैसे होंगे, सब कुछ परमेश्वर ने बताया था। और यहाँ तक भी बताया था तुमने जो ये कार्य किया है इसके परिष्कार के रूप में परमेश्वर को यीशु मसीह को यहाँ पर भेजना पड़ेगा, इस बात को भी उनसे बताया था। उसके बाद धरती के पर जल प्रलय को लाने से पहले परमेश्वर ने नूह से बताया था, नूह से कहा था जाकर सभी को बता देना ऐसे कोई जगह नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिन्हें परमेश्वर के संदेश को नूह ने ना पहुंचाया हो। यही कारण है नूह के जहाज बनाने में 120 वर्ष लगे और परमेश्वर को जल प्रलय लेकर आने में भी वही समय लगा था, क्योंकि नूह सभी को बता रहे थे। परमेश्वर किसी को भी बिना बताए कोई काम नहीं करते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी घटनाओं को हमने देखा है। इब्राहिम के पास जाने से पहले हम यीशु मसीह के पास भी जाते हैं, जब यीशु मसीह को संसार में भेजे हैं सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने के लिए, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो चुना था पूर्ण जगत में जाकर सभी को सुसमाचार सुनाने के लिए, आपको और मुझे भी इसलिए चुना है ताकि हम भी जाकर सभी को सुसमाचार सुनाए और पाप से भरे हुए संसार को परमेश्वर तब तक नाश नहीं करेंगे, अंत नहीं करेंगे जब तक अंतिम व्यक्ति के पास सुसमाचार नहीं पहुँचाया जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर एक जबान उन्हें कबूल करेगी कि वे प्रभु हैं और हर एक घुटना उनके सामने टिकेगी। जब तक सुसमाचार संसार के हर कोने तक नहीं पहुंचेगा, हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, भले विश्वास करे या ना करे ये उनके ऊपर है, लेकिन परमेश्वर का वचन हर व्यक्ति तक पहुंचना है। उसी के बाद परमेश्वर इस संसार को अंत करेंगे और एक नई संसार, एक नई आकाश, नई धरती और नई जगत हम सबके लिए लेकर आएंगे। ढेरों ऐसे सबूतों में से आज हमने कुछ सबूत देखा है जो बयान करते हैं कि परमेश्वर कोई भी काम बिना बताए नहीं करते हैं। इब्राहिम के पास वापस लौटेंगे लूत के विषय में, सदोम के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, और इब्राहिम की चिंता सदोम के ऊपर क्यों थी, क्योंकि हम जानते हैं इब्राहिम का भतीजा यर्दन की तराई में गया, सदोम के निकट अपने तंबू गाड़ कर वहीं पर रहने लगा था। और उत्पत्ति की किताब 13वीं अध्याय उसका 13 वचन में देखते हैं कि सदोम के लोग बहुत दुष्ट थे, यहोवा के लेखे में बहुत ही दुष्ट थे। आइए 18 अध्याय वहां के 17 वचन से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। इन बातों के ऊपर हमने कल देखा था किस प्रकार से इब्राहिम के पास परमेश्वर के आशीर्वाद आते हैं। इब्राहिम के इतने सारे गलतियों के बावजूद, अविश्वास के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें क्यों आशीर्वाद दिया है, 19 वचन हमने इसका राज के रूप में कल देखा था। आगे बढ़ते हैं 20 वचन। फिर यहोवा ने कहा सदम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है या नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। सदम की सारी चिल्लाहट, अमोरा की सारी चिल्लाहट जो बढ़ चुकी हैं और मेरे पास पहुंच चुकी हैं और उनके पाप बहुत भारी हो गए हैं। इतने कहने के बावजूद परमेश्वर इब्राहिम से क्यों कहते हैं मैं नीचे इसलिए उतर कर देखने आया हूँ ताकि मैं जाकर देखूं कि जो चिल्लाहट मेरे पास आई है जो पाप का विषय मेरे पास पहुंची है वो सही है या गलत है, क्या सदोम और अमोरा के वासी ठीक इसी तरह से किए हैं या नहीं, ये मैं स्वयं जाकर उनके बीच में होकर उनसे जान लूंगा। वो खुदा सर्वांतरयामी है और वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे मनों में विचार पैदा होने से पहले वो परमेश्वर जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और क्या सोच
यीशु मसीह ने इन बातों का प्रमाण दिया है कि तुम क्या सोच रहे हो, कि तुम मन में इस प्रकार से क्यों सोच रहे हो। फरिसियों से कहा है, सदूकियों से भी कहा है और कई दफा अपने चेलों से भी कहा है। सर्वांतरिया में परमेश्वर होने के बावजूद परमेश्वर कोई भी काम बिना बताए नहीं करते हैं। और इब्राहिम से कहते हैं, स्वर्ग में मैंने जो सुना है धरती के पर मैं उसे जानने के लिए आया हूँ, ताकि मैं तुझे भरोसा दिला दूं, कहीं ऐसा ना हो जाए परमेश्वर ने मेरे परिवार के साथ में धोखा दिया है। क्योंकि इससे पहले ही इब्राहिम एक बार उदास होकर, मायूस होकर, चिंता में बैठे थे और उनसे मिलने के लिए परमेश्वर नीचे उतर आते हैं। उनसे बातें करते समय अब्राहम ने कहा, प्रभु एक बड़ी जाति बनाओगे, सब बताया आपने, आशीर्वाद दोगे, सब बताया आपने, आकाश के तारे होंगे, सब बताया आपने, समुद्र की बालू के किनके हैं, सब बताया आपने, इतने संतान आप मुझे देंगे, प्रतिज्ञा किया है लेकिन एक भी तो नहीं मिला, ये सब देकर मुझे क्या मिलेगा, जो संपत्ति जो आशीर्वाद आपने मुझे दी है उससे मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा वारिस तो आखिरकार मेरा जो दास एलियाजर उसका ही तो बेटा बनेगा। इसी चिंता में अब्राहम व्याकुल होकर बैठे थे और जैसे परमेश्वर उनसे बातें करने लगे, सब कुछ उन्होंने अपने मन में जो कुछ भी था परमेश्वर के सामने उंडेल दिया था। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय एलियाजर के बेटा तेरा वारिस नहीं होगा और ना ही कोई तेरा वारिस होगा, अगर कोई तेरा वारिस होगा सारे से जो बेटा उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस होगा। इतना कहकर परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, मैं स्वयं जाऊंगा, सदोम में जाऊंगा, अमोरा में जाऊंगा और जाकर मैं देखूंगा कि जो मुझे सुनाई दिया है, जो मुझे पता चला है, जो मैंने देखा है वो सब सच में ऐसा ही है या गलत है। अगर गलत है तो मैं जान लूंगा और जो काम करने के लिए मैं आया था वो काम ना करते हुए मैं वापस लौटकर चला जाऊंगा। अगर सही है मुझे वो काम करना पड़ेगा। सभी पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा कि सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को विनाश करेगा। यहां से जो वार्तालाप होती है इब्राहिम के बीच में, परमेश्वर के बीच में बहुत सुंदर वार्तालाप होती है। कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी साहस के साथ और कितने धैर्य के साथ और कितनी स्वतंत्रता के साथ, कैसी आजादी लेकर इब्राहिम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी मार्ग को रोकते हैं और उनसे बातें करते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं, सवालों का उत्तर दो। धर्मी जन हैं, दुष्ट जन हैं, क्या दुष्टों के संग संग धर्मियों की बीमार दोगे? उनका कहने का अर्थ था, क्या धर्मियों की परमेश्वर की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है? दुष्ट तो है ही, दुष्टों का नाश करने के लिए क्या उनके संग आप धर्मी को भी नाश कर दोगे? 24 वचन में देखते हैं, इब्राहिम परमेश्वर के सामने एक संख्या को लेकर जाते हैं और परमेश्वर से इन धर्मी जनों की संख्या के विषय में उनकी राय को मांगते हैं। क्या यह सही होगा कि अगर वहां पर 50 धर्मी जन मिले उस स्थान को नाश कर दोगे, या फिर उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें है उस नगर को ना छोड़ दोगे? और आगे बढ़ते हुए इसका अतिरिक्त क्या कहते हैं 25वें वचन में, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे कि सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करे। 26वें वचन में इब्राहिम किन सवालों का, पर इब्राहिम ने जो न्याय का विषय परमेश्वर के सामने रखा है उसके विषय में यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी टिटाई की कि तुझसे बातें करूं। इब्राहिम अपने परिचय को देते हैं, परमेश्वर को क्रोध न करने से उनको शांत करने के लिए अपने आप के बारे में बताते हैं, मैं मिट्टी हूं, मैं राख हूं, फिर भी मैंने साहस किया है कि प्रभु आपको रोकूं और आपसे बातें करूं। 28वें वचन में, कदाचित उनमें 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तो 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उसे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले, उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले, उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी डिटाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले, उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले, उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी
उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तो वहां से चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। इब्राहिम को सदोम की चिंता नहीं है, इब्राहिम को अमोरा की चिंता नहीं है। अगर इब्राहिम को किसी की चिंता है तो वो सिर्फ उनके भतीजे लूत के विषय में है, और लूत को बचाने के विषय में ही इब्राहिम 50 लोगों से शुरू करते हुए 10 धर्मियों तक लेकर आते हैं। और इब्राहिम जानते हैं कि उनका भतीजा किस हद तक धर्मी है। हम इन विषयों को कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन एक विषय यहाँ पर देखते हैं। सदोम और अमोरा के शहरों के ऊपर चढ़ाई करते हुए इससे पहले 5 राजा उनको हरा कर उन्हें बंधुआ बनाकर इब्राहिम के भतीजे लूत को और उनके संतानों को और उनकी स्त्रियों को और उनके जितने भी दास दासी हैं और साथ ही साथ में सदोम के राजा को भी बंधुआ बनाकर लेकर जाते हैं। तब इनको बंधुआ बनाए हुए राजाओं के विरोध में जाकर इब्राहिम लड़ते हैं और अपने भतीजे को उनकी सारी प्रजा को छुड़ाकर वहां से लेकर आते हैं। सदोम के राजा ने कहा था, सारे पशुओं को मुझे दे देना, केवल धन तो लेकर जाना। तब इब्राहिम ने कहा था, जो कुछ भी प्राणी है उसको मैं ना छूऊंगा, धन को भी मैं ना छूऊंगा, क्योंकि कल तू ऐसा ना कहे कि मेरे ही कारण इब्राहिम धनवान हो चुका है। इब्राहिम ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि सदोम का राजा इस वक्त इब्राहिम के आभारी हो चुका है और सदोम के राजा के ऊपर इब्राहिम का कुछ ज्यादा ही अधिकार है, जिसके कारण से इब्राहिम के भतीजे लूत को सदोम और अमोरा शहरों में एक खास स्थान मिलती है, जिनका नाम है, जिनका पहचान है। हम इन बातों का कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन इब्राहिम ने जो उनके ऊपर एहसान किया था उस एहसान के कारण सदोम के राजा अब इब्राहिम की बात को मानना पड़ेगा। इसे अगर दूसरे शब्द में आपको समझाने की कोशिश करें, सदोम और अमोरा शहरों के ऊपर इब्राहिम का अधिकार दिखाई पड़ता है, क्योंकि इब्राहिम के एहसान से ही नाश हुआ सदोम और अमोरा शहर और बंधुआ में गए हुए राजा और उनकी सारी प्रजा, उनके सारे संपत्ति और उनके सारे पशु वापस उन्हें मिल जाते हैं। अगर इब्राहिम ना होते, सदोम और अमोरा शहर वापस नहीं बनते थे। इस कारण से सदोम और अमोरा के वासी और साथ ही साथ वहां के राजा भी अब्राहम के आभारी हैं। परमेश्वर से इसलिए कहते हैं, अगर परमेश्वर आपकी दृष्टि में मुझे कृपा मिले, अगर वहां पर 10 धर्मी जन मिलते हैं तो क्या 10 धर्मियों के कारण सारे नगरों को नाश कर दोगे? परमेश्वर ने कहा है, बिल्कुल ऐसा ना होगा। 10 धर्मियों के कारण उस शहर के ऊपर जो विपत्ति आने वाली है उसे मैं दूर कर दूंगा, वापस चला जाऊंगा। इब्राहिम ने जब 10 लोगों की बात कही थी, यदि उसे मैं परमेश्वर ने मान लिया होता और सदोम और अमोरा शहर को नाश न करते, तो इब्राहिम जाकर उसे अपने वश में करते, तो हो सकता है इब्राहिम जाकर उसके पर कुछ ज्यादा अधिकार को दिखाए कि तुम्हारे शहरों को नाश करने से मैंने बचाए हैं। परमेश्वर ने कार्य भी होने नहीं दिया। अगर वो नाश हुआ जाता है तो परमेश्वर न्याय के साथ करते हैं, अगर नाश भी नहीं करते हैं परमेश्वर न्याय के आधार पर ही नहीं करते हैं। बाकी विषयों को कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान अंश किस प्रकार से समाप्त करते हैं। अधर्मियों के साथ में परमेश्वर धर्मियों का नाश नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, जहां पर धर्मी जन होते हैं वहां पर परमेश्वर धर्मी जनों के कारण से अधर्मियों के ऊपर अपना प्रभाव डालने और उन्हें बदलने के कार्य को करते हैं। अगर आप मानते हैं आप धर्मी जन हैं, अधर्मियों के बीच में रहते हैं, कुड़कुड़ाना नहीं। आप एक धर्मी जन के कारण से अधर्मियों को परमेश्वर बदलने वाले हैं। एक रहस्य की बात परमेश्वर आपसे कहते हैं, जहां पर आप रहते हैं वहां का माहौल बदला है, जहां पर रहते हैं वहां के समाज अगर बदले हैं, जहां आप काम करते हैं अगर वहां के लोग बदल जाते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देने का वादा करते हैं। अपनी महान प्रेम के साथ हमसे मुलाकात करने के लिए हमारे बीच में उतर आए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपको। इब्राहिम के साथ में जो वार्तालाप हुई थी उससे परमेश्वर आपने हमसे भी ये कहा है, आप हमसे बिना बताए कोई काम नहीं करेंगे। और साथ ही साथ में हम एक धर्मी जन के कारण से हमारे समाज को आप परमेश्वर नाश ना करते हुए उसका उद्धार के लिए हमें उपयोग करेंगे और हमारे कारण से उसे बचाकर उसका उद्धार करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु आपके महान शब्दों के लिए। अधर्मियों के बीच में अगर हम लोग रहते हैं ना कुड़कुड़ाते हुए, अधर्मियों के बीच में अगर रहते हैं उनके कारण से अपने आप को अपमानित ना महसूस करते हुए, पर तो प्रभु भाग्यवान समझते हुए कि आपने एक उद्देश्य के साथ में हमें उनके बीच में रखा है, इस एहसास के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। हमारे सारे परिजनों के लिए दुआ करते हैं, आपके आशीषमान हाथ सभी के ऊपर रखें और आशीषमान जीवन हर एक को प्रदान करें। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, कल फिर मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबको जीवित और तंदुरुस्त संभाले रखिए। यदि हमारे मिलने से पहले आपके पुत्र के आगमन बादलों के ऊपर संभव होगी तो स्वर्ग राज में शामिल करें। प्रार्थना
कथा सुनकर दिया उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की योजना को आप जानें